तो थोड़ा सा भगा ही लेते हैं इसको। 55 पहले इसको निकालते हैं बाहर। अबे खुल जाए यार, कहीं साथ में ना लग जाए। एंड हमने निकाल दिया इसको बाहर। एंड गेट को कर देते हैं पीछे से बंद। सो अभी हम निकलेंगे। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो होप यू गाइज सब मस्त होंगे। सो आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत, बीच हमारा एकदम गंदा हो रखा है। सो आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो चुकी है। मैं जब से पूंछ से आया हूँ तो मैंने इसको धोया नहीं है, बिकॉज़ अपने कुछ काम थे उनके, उनमें बिज़ी था, मैं इसको धो नहीं पाया। अभी मैं यहाँ पे, मुझे सर्विस स्टेशन का भी पता भी नहीं है कि वो कौन सी साइड है, तो पहले ना मैं इसको धुलाऊँगा। सो अगर मेरे दोस्त ने जहाँ पे रूम रखा हुआ है, अगर वहाँ पे हुआ तो मैं इसको खुद ही धो लूँगा, क्योंकि मैं अपनी बाइक्स को, अपनी गाड़ी को खुद धोना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से धोता हूँ अच्छे से। सो अभी हम जाएंगे अपने दोस्त को मिलने। सर नीचे बस। सर नीचे ईंट पड़ी हुई है, आराम से निकालना। आन दो, आराम से आराम से, आन दो आन दो। हाँ बस ठीक है, नीचे ईंट पड़ी हुई है अंकल, देख लेना। एंड पहले मुझे वसीम से मिलना है। एंड सो मैं छन्नी से निकला हूँ भाई अभी। एंड मेरा दोस्त, मैं जब से आया हूँ मेरे दोस्त को 5-6 दिन हो चुके हैं जम्मू में। सो वो बार बार कॉल कर रहा है कि भाई तू आया नहीं, आया नहीं, तो मिल के जा। एंड अभी फाइनली हाईवे पे पहुँचने वाला हूँ। एंड अब मेरे को जाना है लेफ्ट। फाइनली हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, बट ट्रैफिक बहुत है। एंड जिसकी वजह से देख सकते हैं भाई ट्रैफिक अब। सो मुझे बठिंडी जाना है पहले। एंड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अबे ठुक गया था, बच गया बाल बाल भाई, लेकिन जाऊंगा इसी रास्ते से। एंड अभी वसीम को कॉल करूंगा पहले जाके कि वो कहाँ पे है। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होगा। लेकिन अपना बीस्ट एकदम खतरनाक से भाग रहा है। अरे बाप रे, क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? अरे भाई, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी लग गई थी। एंड मेरी गाड़ी थोड़ी सी रोड में लगी हुई है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो अरे बाप रे बाप, आप देख सकते हैं भाई गाड़ी को किस कदर ठोका है बंदे ने, लेकिन बच गया। हम निकलेंगे। तो भाई गाड़ी की जो साइड थी ट्रक वाले ने ठोक दी उसे। एंड आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं वे मॉल के पास। एंड सिग्नल ग्रीन, अपना ही सिग्नल है भाई। अबे यार गलत हो गया अरे भाई मुझे यहाँ से ऊपर लेना था। मुझे अब यू टर्न करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न। पेट्रोल में जब से घर से आया हूँ सो मैं यही तेल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से डाला था, आई थिंक 800 का डाला था। तो अभी तक यही पेट्रोल जो है चल रहा है मेरे, मैंने उसके बाद यहाँ पे नहीं डाला है। अबे ठुक गई थी। आज मेरे साथ हो क्या रहा है भाई, निकलते ही पहले बंदा ठोक गया था, नीचे ट्रक वाला ठोक गया था। एंड अब यहाँ से टर्न कर लेते हैं। तो पिठिंडी वाली साइड हम निकल चुके हैं, तो अभी हम वसीम को कॉल करेंगे, वो भी यहीं कहीं पे होगा। सो पहले उसको कॉल करते हैं एंड उसके बाद यहाँ से कॉल करते हैं उसको एंड फिर देखते हैं। तो भाई अभी वसीम को हमने कॉल की है एंड वो कहीं इस साइड में है, बिकॉज मुझे पता नहीं है। सो मैंने उसको बोला कि सामने आ जा भाई, तो क्या पता कौन सी साइड में अभी सो भाई मैंने जब से ये बाइक लिया मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि अबे मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत बढ़िया। तो गाइस अभी वसीम ड्राइव करा, अभी रुक जा, गलत हो गया रे भाई, गलत हो गया, चल जाने दे। तो अपना वसीम भाई अभी ड्राइव कर रहा है। अच्छा इस गली में था तो पहले ही बोल देता ना फ़ोन करके। सो मैं बैठा हूँ पीछे, अभी इसके रूम में जाएंगे हम, तो देखेंगे क्या सीन रहने वाला है वहाँ पे। सो देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी हम वसीम भाई के रूम से निकल चुके हैं एंड यार इसको धुलाना था। हाँ मैं जब घर जाऊंगा ना लेके तू रख लेना है? जब मैं घर जाऊंगा ना तब रख लेना 6 दिन के लिए। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है हमें। सो कौन सी साइड चलें है? कौन सी साइड जाना किधर है तू बताना। इधर ऊपर तो वसीम भाई बोल रहे हैं कि बठिंडी वाली साइड चलेंगे, ऊपर वाली साइड, सुजमा वाली साइड, एंड बठिंडी क्रॉस करके सुजमा में पहुँचे। सो वसीम भाई बोल रहे थे कि हाँ। सो वसीम भाई बोल रहे हैं कि आराम से चलो, एंजॉय करते करते चलेंगे। तो अब भी जाते हैं, देखते हैं कितना आगे जाएंगे। एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप। एक भाई वो दिल्ली गए थे ना, है भाई दिल्ली गए थे ना वो, कौन आज भाई आ रहे, कल वो दिल्ली जा रहे। अब अच्छा घर से ही नहीं आया अभी, घर से आ रहा। चल बहुत बेहतर है ना। तो भाई वसीम बता रहा है कुछ मक्का मस्जिद का रास्ता, मैं नहीं कभी गया तो सोच रहा हूँ वहीं से होके आते हैं। अच्छा इतना जाम लगता है। कौन साइड चलना है वसीम आगे? अरे बाप रे कितना बड़ा जाम लगा हुआ है यार, OMG। अरे यार आगे जाने का फायदा ही नहीं आ रहा। मैं सोच रहा यहीं से ले लेते हैं वापस, है ना, यहीं से ले लेते हैं, आगे बहुत ज़्यादा जाम है, हाईवे पे चलेंगे। सो हम यहीं से वापस कर लेते हैं इसको, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। चल ठीक है फिर। सो ओके गाइज अभी हमने वसीम को जो के उसके रूम में छोड़ दिया है एंड अभी मैं वापस निकल रहा हूँ अपने रूम में। सो हमें जाना है सीधा छन्नी हिमायत में, बिकॉज हम वहीं पे रह रहे हैं। पे लग चुका है जाम फिर से। और कल जाएंगे पहले बाजार के शोरूम में, सो वहाँ जाके पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आरसी कब तक आएगी, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल में था तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गाड़ी को भगाने का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। दिन में होता तो दिन में कम ट्रैफिक होती है, रात में ज़्यादा होती है। सो गाइस, मैंने आपको बोला था कि भाई जब हमारे 10K या 50K से सब्सक्राइबर ऊपर हो जाएंगे तो हम लद्दाख का टूर करेंगे। सो उसके लिए मुझे एक बाइक KTM चाहिए अपने दोस्त के लिए, और एक 220 चाहिए पल्सर की चाहिए। सो जिसके पास भी सेकंड हैंड पल्सर 220 है तो आप मुझे कमेंट कर देना भाई। सो हमें परचेज़ करनी है बाइक। मॉडल चलेगा कोई भी मॉडल, क्या 15 से ऊपर ही होना चाहिए मॉडल, और बाइक कंडीशन में होनी चाहिए। सो भाई आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पे, और ट्रक वाला कितना घुस के अंदर 220 हुई। तो वैसे कल में अगर कोई सेल करने वाला हुआ तो हम ले लेंगे। 50K सब्सक्राइबर से ऊपर हो जाएंगे तो भाई पहले तो हमारा लद्दाख का प्लान है जो हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। हम लद्दाख के टूर पे जाएंगे, मैं मेरे दोस्त वगैरह सब जाएंगे। सो अभी हम इस साइड से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। एंड अगर उससे पहले का लद्दाख के टूर के बाद ही हम पंजाब का टूर करेंगे, पंजाब हरियाणा घूमने जाएंगे। लेकिन हमारे 50K सब्सक्राइबर से ऊपर होने चाहिए। तो भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप चाहते हैं कि मैं लद्दाख राइड पे जाऊं एंड मेरे साथ दोस्त हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे ये कमेंट ज़रूर कर देना कि भाई हाँ जाना है लद्दाख, तो फिर हम लद्दाख जाएंगे। सो अपने दोस्त को भी मैं, उसने बाइक इसीलिए लेनी है बट हमें सेकंड हैंड ही चाहिए, तो सेकंड हैंड हम बाइक ले लेंगे जो 220 एंड जो रहेगी हमारी KTM हम ले लेंगे जो न्यू में। तो 3-4 बाइक्स हमारे पास हो जाएंगी, एक ही हमारे पास है, इसको मिला के होगी 4 बाइक्स। तो हम जाएंगे फिर लद्दाख टूर पे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं लद्दाख टूर करूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट कर दिया करो भाई, वीडियो में कमेंट कर दिया करो भाई। तो बाइक रोड खुली है, $87, $89 भाई साहब 89 पे पहुंची थी। लेकिन भाई आगे गाड़ियां वगैरह भी हैं और रात का भी टाइम है। सो टॉप स्पीड में ना मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। सो मैं सोच रहा कि आज आपको इसकी टॉप स्पीड बताई दें, बट 89 तक गई है। तो फाइनली गाइस हम छन्नी वाली साइड आ चुके हैं। सो अभी मैं जाऊंगा बाइक्स को लगाऊंगा, अंदर लगा दूंगा भाई, और इसकी कल ना मैं इसको वॉश करवाना है। तो प्लीज़ यार अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। कमेंट करके बता देना भाई कि वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भाई डिसलाइक कर देना, बट रिएक्शन करके जाना। सो लेट्स सी कि कल का हमारा क्या सीन रहता है। मैं सोचा था एक सर्दियों में एक हम लंबी राइड करें, बट अकेला में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे दोस्त के पास जो 220 थी उसने बेच दी है। काफ़ी टाइम पहले मैंने उनको बोला भी था कि नहीं बेचनी भाई, लेकिन अरे भाई साहब कहाँ चढ़ा रहा है। तो उसने सेल कर दी थी, अब भी वो दोबारा लेने की सोच रहा है। तो अगर किसी के पास है या किसी के स्टैंड के पास है तो प्लीज़, तो हम बाइक परचेज करेंगे। अगर अपने सारे दोस्तों के साथ भाई वीडियो शेयर कर देना, जितने भी हैं अपने आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको शेयर करो भाई। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारी न्यू वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सबके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हम एक न्यू बाइक लेंगे। अगर आप हमें अच्छे से सपोर्ट करते हो तो भाई हमें अपनी YouTube फैमिली के लिए एक न्यू बाइक्स जो है वो लेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी दमदार लेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर। सो मुझे अंदर जाना, मैंने बाइक लगानी है यहाँ पे। सो होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपने बीस्ट को हम यहाँ लगा रहे हैं एंड यहाँ पे लगाएंगे हम अपने बीस्ट को। सो गुड बाय, सी यू in the next video।